हेलो हेलो बेटा, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरा आवाज़ ऑडिबल है या नहीं है तो एक बार आप मैसेज दीजिएगा और मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। यस, हाँ, तो आपके मैसेज आ गए कि मैं ऑडिबल हूँ। एक बार फिर से मैं सब इंस्ट्रक्शन आपको दे देता हूँ। स्टार्ट करने के पहले 2 मिनट में कोई इन बिटवीन सवाल नहीं पूछेगा, कोई भी अननेसेसरी कमेंट पास नहीं करेगा। मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है और यहाँ पे आपका पूरा ध्यान हमारे डिस्कशन पे होना चाहिए। आज के टॉपिक्स हो गए जॉब वर्क, आई रिपीट, आज के टॉपिक हो गए जॉब वर्क। दूसरा आज का हमारा टॉपिक होगा इसके बाद में असेसमेंट, और टाइम मिला तो नेक्स्ट इंस्पेक्शन वगैरह उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि हम पहले आखिरी के टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे और फिर ऊपर के टॉपिक्स जो हमारे ICAI के लिस्ट में दिए हैं वो कवर करेंगे। इसके पीछे रीज़न बहुत क्लियर है। इसके पीछे रीज़न ये है कि आखिरी के टॉपिक्स पर आपकी रिविज़न नहीं होती है, आप ध्यान नहीं देते हो, जिसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ पे कट हो जाते हैं। अगर आपको IDT सब्जेक्ट में अबव 70 जाना है तो आपको आखिरी के जो टॉपिक्स हैं उसके ऊपर पूरा ध्यान देना पड़ेगा। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करें। बेटा जो एडिशनल मैं यहाँ पे डिस्कशन ले रहा हूँ, बस ये डिस्कशन जो है हमारा रिस्ट्रिक्टेड होगा जो इंस्टीट्यूट के यहाँ पे क्वेश्चन है उसके ऊपर। टॉपिक्स मैं ऑलरेडी आपको डिक्लेयर कर चुका हूँ कल से, इसलिए पढ़ के आना आपकी जिम्मेदारी है। और रिविजनरी वीडियोस वगैरह मैं पहले बोल चुका हूँ कि चार्ट रिवीजन होगा, जिसके रिवीजन बाइट्स कस्टम्स के रेडी थे वो मैंने दे दिए। चार्ट रिवीजन बाद में होगा ही होगा, ठीक है। और प्रोबेबली आज मैं बूस्टर के जो वीडियोज़ है आखिरी रिविजन बाइट्स के जगह मैं डायरेक्ट वीडियोज़ दे दूँगा आपको। रिफंड से रिलेटेड रिविजन है, अपील से रिलेटेड रिवीजन है, वो वीडियोस मैं यूट्यूब पे आज अपलोड कर दूंगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आर यू रेडी, यस और नो? चलिए, तो एक बार फिर से किसी का इंटरनेट का अगर प्रॉब्लम होगा और बफरिंग हो रहा होगा तो लेक्चर ये पब्लिश भी होने वाला है रिकॉर्ड होके, तो वो सिचुएशन में डेफिनेटली वो स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे रिकॉर्डेड सेशंस बाद में देख सकते हैं। चलिए आते हैं जॉब वर्क पे, ठीक है। अब जॉब वर्क पे यहाँ मेरा मेन ऑब्जेक्ट बस यही है कि क्वेश्चंस कैसे रीड करना, आंसर्स कैसे लिखना। इतने बड़े बड़े आंसर्स जो सजेस्टेड में दिए गए हैं, RTP में दिए गए, इसको समराइज़ कैसे करना, ये प्रैक्टिस ही पूरे पढ़ाई में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन बुक में लिखो, लेकिन ये प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ देखो, सुदामा इंडस्ट्रीज लिमिटेड रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पहला केस। मैन्युफैक्चर प्लास्टिक पाइप्स फॉर अदर सप्लायर्स ऑन जॉब वर्क बेसिस। तो यहाँ पे फैक्ट्स हम ऐसे तैयार करते हैं, सुदामा क्या दिया, इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आप मेरे साथ इन्वॉल्व हो जाओ, फैक्ट्स तैयार करो और इसे जॉब वर्क, ये जॉब वर्क है, और जो भी प्रिंसिपल होगा इसको रॉ मटेरियल आते हैं, इसको रॉ मटेरियल आते हैं और उसके ऊपर ये प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं। जनरली प्लास्टिक पाइप्स होते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक पाइप्स। ऑन 10/1/2020 प्लास्टो मैन्युफैक्चरर रजिस्टर इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सुदामा जम्मू एंड कश्मीर है और ये अब सप्लाई प्रिंसिपल प्लास्टो मैन्युफैक्चरर्स है, प्लास्टो मैन्युफैक्चरर्स ये प्रिंसिपल है और वो हिमाचल का है। ओके, वो हिमाचल का है। चलो आगे बात करते हैं। सेंड प्लास्टिक ऑफ रुपीज 4 lakhs एंड मोल्ड्स वर्थ रुपीज 50,000। 10 तारीख को इसने 10/1/20 इसने 2 गुड्स इसने भेजे। कौन से 2 गुड्स भेजा? एक प्लास्टिक भेजा और एक मोल्ड भेजा। प्लास्टिक और मोल्ड, प्लास्टिक कितने अमाउंट का भेजा उसने? 4 और मोल्ड 50,000 का, 4 lakhs एंड 0.5 lakhs। ठीक है, आप मेरे साथ ये प्रैक्टिस कर रहे हो ना बेटा, आप भी इन्वॉल्व हो जाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस में आप इन्वॉल्व रहे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन का एनालिसिस आप करोगे, उतना आपको जो है आंसर्स मिलते जाएगा। ठीक है, नाउ उसने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, क्योंकि ऑब्वियसली जॉब वर्क होगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया टू सुदामा इंडस्ट्रीज लिमिटेड टू मेक अ प्लास्टिक पाइप्स। तो यहाँ पे ये जो है वैल्यू दी है 4 और 0.5, पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफ़र किया गया, इसलिए प्लास्टिक पाइप्स बनाए जाएंगे पीपी और ये प्रिंसिपल को सप्लाई किए जाएंगे। ओके, ऑल्सो यूज ओन रॉ मटेरियल और स्पेशल टाइप ऑफ लेमिनेशन मटेरियल फॉर कोटिंग द पाइप्स। उसने अपना खुद का भी रॉ मटेरियल यूज़ किया, ओन रॉ मटेरियल यूज़ किया, रॉ मटेरियल जो लगभग यहाँ पे 1 लाख रुपए का था, रुपीज़ 1 लाख का उसका खुद का रॉ मटेरियल भी यूज़ किया। कि ये प्रोसेसिंग जॉब में, ये जॉब वर्क जो प्रोसेस थी उसमें यूज़ किया। उसके बाद में नाउ नेक्स्ट यहाँ इट रेज द इनवॉइस ऑफ 2 lakhs एज अ जॉब चार्जेस। उसके जो है जॉब चार्जेस 2 lakhs फॉर मेकिंग द पाइप्स and return the manufactured pipes through challan to Plasto manufacturer on 20/10/2020। तो 20/10/2020 को उसने रिप्लाई ये यहाँ पे रिटर्न कर दिया। जॉब चार्जेस जो है, जॉब चार्जेस यहाँ पे उसने 2 लाख रुपए लगाए। ठीक है, the same quality and quantity of plastic pipes as was made फॉर प्लास्टो मैन्युफैक्चरर वेयर मेड बाय सुदामा, वो सुदामा अपने लिए भी कर रहा है, इंडस्ट्रीज लिमिटेड, फॉर इट्स ओन रॉ मटेरियल एंड सोल्ड दिस पाइप्स। ओके, रजिस्टर इन जम्मू एंड कश्मीर फॉर 7.5 lakhs ऑन 20/10/2020। उसके ओन गुड्स भी थे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ओन गुड्स भी थे, वैसे ही पाइप उसने बनाए थे और उसने वो भी सेल किए और वो 7.5 lakhs में सेल किए ऑन सेम डेट, दैट इज 20/10। ओके, आप मेरे साथ बना रहे हो, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आप कर रहे हो एनालिसिस। मुझे जवाब दो, यस कहो मेरे साथ। ये प्रैक्टिस ही करना, डीटी हो, आईडीटी हो, या लॉ हो, क्वेश्चन इतना अच्छे से पढ़ना, या अकाउंट्स हो इतना अच्छे से पढ़ना कि उसके आंसर वहीं मिल जाए। ओके तो कर रहे हो, यस कहो, यस कहो फटाफट आप यहाँ पे। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट, अब आगे, एग्जामिन द सिनारियो and offer your views on the following issues with reference to the provision relating to job work under GST law. ठीक है. First, is there any difference between the manufacture of plastic pipes by Sudama Industries Limited for Plasto manufacture and for solid pipes? ठीक है. Is there difference between the manufacturer of plastic pipes by Sudama Industries Limited for Plasto manufacturer for solid pipes? अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछा गया है कि क्या वो सुदामा के लिए जो यहाँ पे प्लास्टो पाइप्स मैन्युफैक्चर के लिए जो पाइप्स बना रहा है, क्या वो सिचुएशन में कोई डिफरेंस है? नहीं, वो उसके लिए जो पाइप्स बना रहा है एज ए जॉब वर्क बना रहा है, एज ए जॉब वर्क बना रहा है और अपने वो खुद के पाइप्स बना रहा है. ओके, तो हाँ, चार्जेस में डिफरेंस आएगा, सप्लाई में डिफरेंस आएगा. हाँ, जो वो यहाँ पे प्लास्टो मैन्युफैक्चरिंग के लिए पाइप्स बना रहा, दे तो रहा है पाइप्स ही, उसके फैक्ट्री से रिमूव हो रहे हैं पाइप्स ही, पर उसका सप्लाई ऑफ सर्विस में क्लासीफाई होगा, शायद रेट वहाँ अलग हो. और वो अपने गुड्स जो बना रहा है वो अपने गुड्स सप्लाई ऑफ गुड्स में क्लासीफाई होगा. अब ये तो आंसर मुझे एक लाइन में मिल गया, पर एज यूजुअल हमें लिखना कैसे है, मैं आंसर पढ़ूंगा, सेक्शन क्या क्या रेफर किए आप मेरे साथ लिस्ट निकालोगे और फिर हम उस सेक्शन को अरेंज करेंगे समराइज फॉर्म में. ओके, तो आपने एक नोटपैड, पेन और पेपर लिया होगा. हम सेक्शन की लिस्ट बनाएंगे कि इसमें हमें कौन कौन से सेक्शंस रेफर करने हैं और अकॉर्डिंगली हम हमारा आंसर फिट करेंगे. ठीक है. दूसरा यहाँ पे, वेदर सुदामा इंडस्ट्रीज कैन यूज इट्स ओन मटेरियल इवन व्हेन इट इज मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक पाइप्स ऑन जॉब वर्क बेसिस? यस, वो आंसर तो एक लाइन में कि यस, वो खुद का मटेरियल यूज कर सकता है, पर ये कहाँ लिखा है, कहाँ क्लैरिफिकेशन है, उसके रेफरेंस आपको देने पड़ेंगे. सेक्शन याद आए तो ठीक, नहीं याद आए तो एज पर रिलेवेंट प्रोविजन पर आपको थोड़ा कंटेंट वहाँ पे देना पड़ेगा. तीसरा, whether sending the plastic and molds to Sudama Industry Limited by Plasto manufacturers is a supply and taxable invoice need to be issued for the same. मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल ने जो उसको, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ने जो उसको यहाँ पे प्लास्टिक भेजा या मोल्ड भेजा, क्या उसे सप्लाई बोला जाएगा? अगर उसे सप्लाई बोला जाएगा तो क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा? तो अगर आपको याद होगा बेटा, तो हमने आईटीसी में भी पढ़ा, सेक्शन 143 में भी पढ़ा कि ये जो है वो जॉब वर्कर को भेज सकता है, सप्लाई कर सकता है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, जिसके लिए एक चालान होगी, रूल 55 चालान, और रूल 55 चालान में हम जॉब वर्क को भेज सकते हैं, उसे सप्लाई नहीं कहा जाता. इसके बारे में भी हम बात करेंगे. और उसके बाद में, वेदर सुदामा इंडस्ट्रीज लिमिटेड शुड इंक्लूड द वैल्यू ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्लास्टिक्स एंड मोल्ड सप्लाइड बाय प्लास्टो मैन्युफैक्चरर टू इट्स जॉब वर्क चार्जेस. अब सुदामा ने, अब क्वेश्चंस को अच्छा समझ लेना, सुदामा ने यहाँ जो 2 लाख रुपए जॉब चार्जेस लगाए तो वो तो उसके चार्जेस थे, तो क्या वो 2 लाख में जो ओरिजिनल प्लास्टिक जो है 4 लाख या ये यहाँ पे मोल्ड 0.5 लाख, इसकी भी वैल्यू क्या ऐड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? तो ऐसे ओके क्वेश्चंस है. चलिए, अब हम आंसर रीड करो, ओपन बुक, मैं आपको कह दे रहा हूँ कि रीड करके समरी पॉइंट्स बनाओ, रीड करके समरी पॉइंट्स बनाओ, मेमोरी अपना काम करेगी. ओके, लर्न बाय डूइंग इट एंड नॉट डोंट लर्न बाय रिमेंबरिंग इट. ओके, डू इट डू इट डू इट एंड बाय डूइंग इट लर्न द थिंग्स. मेमोरी अपना काम करेगी, बी केयरफुल. सो देखो यहाँ पे, यहाँ ये पहले का आंसर देखते हैं वो नो क्या क्या रेफरेंस लिया है. फर्स्ट केस में जहाँ क्वेश्चन क्या था, जहाँ ये था कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक पाइप्स बाय सुदामा इंडस्ट्री लिमिटेड फॉर प्लास्टो मैन्युफैक्चरर्स एंड सॉलिड पाइप्स. तो देखो, उन्होंने पहले लिस्ट बना कौन कौन सा सेक्शन रेफर किया. सेक्शन 268 यूज किया, जहाँ जॉब वर्क की डेफिनेशन दी है, लिखो साइड में, सेक्शन 268 जॉब वर्क की डेफिनेशन का रेफरेंस लिया, लिखा, आपने लिखा, यस कहते जाओ. ओके, मैं राह देख रहा हूँ बेटा, मैं आपके लिए एफर्ट्स ले रहा हूँ, तो आप इसमें पूरे इन्वॉल्व होना चाहिए तो ही मज़ा आएगा. ओके, और ये बहुत अच्छा डिस्कशन होगा, रंग दे मुझे गेरुआ. तो नाउ यहाँ पे बेटा, जहाँ तक देखा जाए तो आप पहला पॉइंट सेक्शन 268 जॉब वर्क आप लिख रहे हो. दूसरा मुझे क्या रेफर करना है, दूसरा मुझे यहाँ पे शेड्यूल 3, हाँ अगर देखा जाए तो शेड्यूल 3 पैरा 3 इन्होंने रेफर किया है. शेड्यूल 3 पैरा 3 दोनों साइड में लिखो कि ये दो मेन रेफरेंसेस मुझे लेने हैं. टाइम पे नहीं भी याद है तो भी इतना तो समझ जाएगा, 2 रेफरेंस पे आंसर है. अब थोड़ा सोचो कि भाई वो जॉब वर्क का ये डेफिनेशन क्यों ले रहा है, और शेड्यूल 2 और शेड्यूल 2 का डेफिनेशन यहाँ पे क्यों ले रहा है। तो अब देखो बेटा, यहाँ पे जॉब वर्क मीन्स एनी ट्रीटमेंट और डेफिनेशन दे रहा है। Job work means any treatment or process undertaken by a person on goods belonging to another registered person. Then expression job worker shall be construed accordingly. The registered person on whose goods a job work is performed is called as principal. The job worker is expected to work on the goods sent by the principal. अब ये इतना बड़ा पैराग्राफ है, इसको आप एक लाइन में खत्म कर देना। सेक्शन याद आया तो ठीक, अदरवाइज ओके नो प्रॉब्लम। As per section 268, job work means processing or any treatment undertaken on another person's goods, okay, that is called as job work, and person who carrying such process is job worker. That's all. वो job worker बोला जाएगा। उसके बाद में next पैराग्राफ में वो क्या कहते हैं, जहाँ स्पेशली शेड्यूल 2 पैरा 3। अब अपनी बुक भी ओपन करना, okay, ऐसा याद करने की कोशिश मत करो। अगेन ये बड़ा अच्छा प्रिंसिपल है, लर्न द थिंग बाय डूइंग इट। तो ऐसे सिचुएशन में ओपन करो। अगर शेड्यूल 2 यहाँ पे, तो यहाँ शेड्यूल 2 पैरा 3 में ये रेफरेंस है बेटा कि अगर आप किसी और के गुड्स पे प्रोसेसिंग या ट्रीटमेंट कर रहे होगे तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। तो मैं यहाँ बताता हूँ, देयरफॉर व्हेन गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय सुदामा इंडस्ट्रीज लिमिटेड फॉर प्लास्टो मैन्युफैक्चर इट्स अ जॉब वर्क एज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अंडरटेकन ऑन इनपुट्स, एंड व्हेन गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड फॉर सॉलिड पाइप इट इज अ मैन्युफैक्चर ऑन own accounts as the pipes are manufactured from the company own material. Further, as manufacture on job work basis is the supply of service और उसका goods है supply of goods। इसको दो लाइन में as per schedule सुनना, as per शेड्यूल 2 पैरा 3 any treatment or process on another person goods classifiable as a supply of service. So hence in given case Sudama activity as a job worker classifiable as a supply of service, and where his company is manufacturing their own goods, तो वो सप्लाई गुड्स में क्लासीफाई किया जाएगा। बस इतने दो लाइन आपको चाहिए। अब आपके सवाल आ सकते हैं कि सर इसमें हमने सेक्शन 19 ऑफ आईटीसी इसका रेफरेंस क्यों नहीं लिया और सेक्शन 143 का रेफरेंस क्यों नहीं लिया। इस पे बिल्कुल आपका सवाल आ सकता है। अगर आप आंसर ध्यान से पढ़ते हो तो उन्होंने पहले वाले क्वेश्चन में ये बिल्कुल नहीं पूछा कि आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हम जॉब वर्कर को दे सकते या नहीं दे सकते, या अभी जॉब वर्क से कितने दिन में वापस आना चाहिए, ऐसे कोई क्वेश्चंस उन्होंने नहीं पूछे। इसलिए अननेसेसरी अपना डिस्कशन अगर आप सेक्शन 19 के तरफ डाइवर्ट करोगे या सेक्शन 143 की तरफ डाइवर्ट करोगे तो वो सिचुएशन में आप टाइम वेस्ट कर दोगे। आपको आंसर बहुत स्पेसिफिक लिखना है, और ये बाय डूइंग ही प्रैक्टिस आता है। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन आंसर देखोगे, जितना ज़्यादा एनालाइज करोगे, उतना समझोगे कि क्या आपको सटीक लिखना है, क्या यहाँ स्पेसिफिक लिखना है। इज इट क्लियर? तो बेटा ये सिचुएशन में क्वेश्चन पर ध्यान दो। तो उन्हें सिर्फ नेचर पूछा है कि भाई वो जो खुद के बिहाव पे बना रहा है और यहाँ पे प्रिंसिपल के बिहाव पे बना रहा है, वो सप्लाई कैसे माना जाएगा। इसलिए पूरा फोकस जॉब वर्क की डेफिनेशन और उसके क्लासिफिकेशन पे था कि भाई उसने जो जॉब वर्क के बेस पे बनाया वो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, और जो खुद बनाया वो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा आपको एक्सटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट बेटा, next second, whether Sudama Industries can use its own material even when it is manufacturing the plastic pipes on job work basis. क्या जब वो job work basis पे यहाँ पे manufacturing कर रहे हैं तो क्या वो खुद के material use कर सकते हैं job work process में। अब आपको ये बात बता दो, वैसे तो common sense से आपका answer आ जाएगा yes it is okay, खुद के material use करने पड़ेंगे। लेकिन बेटा अगर रेफरेंसेस देना पड़े तो क्या रेफरेंस दोगे? क्या 19 का रेफरेंस, सेक्शन 143 का रेफरेंस, क्या सिर्फ बैटिंग ही करोगे? तो ऐसे सिचुएशन में आंसर पढ़ते हैं इंस्टीट्यूट ने किस तरह से लिखा है, हम देखते हैं। अगर आप देखोगे बेटा यहाँ पे, तो इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन का हेल्प लिया है, और डेफिनेटली ये क्लैरिफिकेशन आपको याद आएगा। अगर आप जॉब वर्क सेक्शन 143, जैसा जब मैं पढ़ाता हूँ जॉब वर्क तो एक सेपरेट चैप्टर है जॉब वर्क का, जिसमें 143 का मैं डिटेल डिस्कशन करता हूँ, तो एंड में कुछ क्लैरिफिकेशंस दी है, और मैं आपको फिर से सजेस्ट करूँगा वो क्लैरिफिकेशन अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि ये इसमें से कोई क्वेश्चन आया तो ठीक, नहीं तो उसमें से नया क्वेश्चन भी बन सकता है, और आपके एग्जाम में जॉब वर्क पर एक नया क्वेश्चन भी बना के ओके यहाँ पे आ सकता है। तो बेटा यहाँ पे वो क्लैरिफिकेशन में ये कहा है कि यस जॉब वर्कर जो है ड्यूरिंग जॉब वर्क प्रोसेस यहाँ पे वो गुड्स यूज़ कर सकता है। अगर एज अ स्टूडेंट आपसे भी इतना लिखते हो कि यस यू कैन यूज़ द जॉब वर्क ओन गुड्स, तो फिर ये एग्जामिनर पे कि आपको वो अगर इसके लिए एक मार्क होगा तो वो एक भी दे सकता है या हाफ भी दे सकता है, वन भी दे सकता है, हाफ भी दे सकता है, वो उसके ऊपर। लेकिन आपने अगर लिखा एज पर क्लैरिफिकेशन ओके तो फिर और इम्प्रेसिव हो जाता है, फिर मार्क कम होने के चांसेस बहुत लेस होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे मैं यहाँ पे बोलूँगा कि ये जो जॉब वर्क है बेटा ओके क्लैरिफिकेशन जॉब वर्कर इन एडिशन टू गुड्स रिसीव्ड और प्रिंसिपल वो अपने खुद के गुड्स भी यूज़ कर सकता है एज पर क्लैरिफिकेशन। अब इसमें आपका सवाल होगा सर क्या ये क्लैरिफिकेशन नंबर देना हमें ज़रूरी है? कोई ज़रूरी नहीं है, ये क्लैरिफिकेशन नंबर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में अब तीसरा सवाल क्या पूछा उन्होंने, तीसरा सवाल ये है वेदर सेंडिंग the plastics and molds to Sudama Industries Limited by Plasto manufacturer is a supply and taxable invoice need to be issued the same। पहले हमने जो भी पढ़ा इससे हमारा आंसर क्या आएगा, जो प्रिंसिपल ने गुड्स भेजा, मोल्ड्स भेजे, क्या वो इसने जो जॉब चार्जेस लगाए हैं 2 लाख रुपए उसमें वो वैल्यू ऐड करके क्या जॉब वर्कर का वैल्यूएशन करना पड़ेगा? मतलब क्या जॉब वर्कर का वैल्यूएशन उसके जॉब चार्जेस 2 लाख प्लस ये जो 4 लाख या 0.5 लाख ये ऐड करके होंगे? हमारा कॉमन सेंस तो नहीं कहता है, जितना हमने नॉलेज लिया है। पर इसको कैसे लिखना, तो चलिए पहले देखते हैं कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे से। देखिए बड़ा लंबा आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एज यूजुअल इतना बड़ा लंबा आंसर लिखना नहीं है, पर पढ़ तो लेते हैं, पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है ओके। और एक साइकोलॉजी बेटा आप 100% पढ़ोगे तो 60 याद रहता है, 50 याद रहता है और इसकी समरी याद रहती है। तो चलिए आप यहाँ पे सेक्शन 143 ऑफ CGST एक्ट 2017 प्रोवाइड दैट, यानी सेक्शन 143 का रेफरेंस लिया है, साइड में नोटबुक में लिख दो सेक्शन 143 का रेफरेंस लिया है। रजिस्टर प्रिंसिपल में विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स सेंड द इनपुट्स और कैपिटल गुड्स टू अ जॉब वर्कर फॉर जॉब वर्क, subsequently on completion of job work principal shall either bring back the goods to his place of business or supply the same directly from the place of business or premises of job work within 1 year in case of inputs or 3 years in case of capital goods okay। molds except mold dies jigs and fixtures, ye important hai। Thus the provision relating to return of goods not applicable in case of mold dies jigs fixtures and tools if the same frame 1 year or 3 years for bringing back or further supplying the inputs shall be deemed to be a supply of principal on the day when the said inputs or capital goods were sent out by him, thus essentially sending of goods for job work is not a supply as such, वो supply नहीं है, but it acquires the character of supply only when inputs or capital goods sent to job worker are either received back by principal or not supplied by further by the principal from his place of business of the premises of job worker within 1 year or 3 years. Therefore, sending of plastic molds by Plasto manufacturer to Sudama Industries Limited is not a supply, as manufactured pipes are received back within the stipulated time, and provision relating to return of goods are not applicable. फिर यहाँ पे रूल 45, ये गलती से 45 बेटा, ये 55 चाहिए, रूल 55 चला। CGST रूल प्रोवाइड दैट इनपुट्स सेमी फिनिश गुड्स और कैपिटल गुड्स बीइंग सेंड फॉर जॉब वर्कर शैल बी सेंड अंडर द कवर ऑफ चालान इशूड बाय द प्रिंसिपल। तो लीगल प्रोविजन में हमें रूल 55 भी यूज करना है, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। Therefore, Plasto manufacturer need not to issue a taxable invoice for sending the inputs to Sudama Industries Limited, but should send the inputs under the cover of चालान। शायद मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, फिर से पढ़ता हूँ। क्वेश्चन ये है, हाँ फिर से पढ़ता हूँ, वेदर सेंडिंग प्लास्टिक और मोल्ड टू सुदामा इंडस्ट्री लिमिटेड बाय प्लास्टो मैन्युफैक्चर इज अ सप्लाई एंड टैक्सेबल इनवॉइस नीड टू बी इशूड। हमने वैल्यूएशन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ओके। पहले तो ये सवाल है कि क्या वो सप्लाई बोला जाएगा क्या? इस पे रेफरेंस में इन्होंने यहाँ पे सेक्शन 143, सुनिएगा आपने साइड में लिखा होगा कि आपको आंसर 143 के बेस पे लिखना है। दूसरा आपको रूल 55 का रेफरेंस देना है ओके। क्यों? क्योंकि वो सप्लाई है या नहीं है, और ये इधर रूल 55 के बेस पे वो इनवॉइस लगेगा या चालान लगेगी। तो दोस्तों अब मैं आपको एक बात बता दूं, 143 का इन्होंने बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है, जबकि मैं ये जानता हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन को 4 लाइन में ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि 2 मार्क का ही क्वेश्चन रहेगा, 4 लाइन में आपको ख़त्म करना है। कैसे? ओके, हमें इम्पोर्टेंट ये लिखना है कि 143 के हिसाब से ओके प्रिंसिपल कैन सेल, रजिस्टर्ड प्रिंसिपल कैन सेंड इनपुट्स और कैपिटल गुड्स फॉर जॉब वर्क विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एंड इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, but such inputs or capital goods must be received back within 1 year or 3 years respectively. Third point, the return back of inputs or capital goods provision is not applicable to mold, dies, jigs, fixtures and tool. Okay, ये तीसरा फाइल point आपने लिख दिया। So, if such goods not returned back within 1 year or 3 years, then it shall be deemed to be supplied on the date when sent to the job worker. फोर्थ पॉइंट, लास्ट कंक्लूडिंग लाइन। 4 पॉइंट्स में मेरे साथ अभी आप जो है ओके समरी पॉइंट्स बनाना। ओके, ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है, इग्नोर मत करना प्लीज कि ओके सिर्फ आप रेडीमेड सब चीज़ें रेडीमेड के लिए एक्सपेक्ट मत करो बेटा। ओके कि हमें ये भी करवा दो, हमें वो भी करवा दो, हमें ये भी करवा दो। ओके, ऐसा मत करना कि सर आके आप आंसर्स हमें एग्जाम में लिख भी दो। कुछ चीज़ें खुद सेल्फ करो, रिसर्च आपका होना चाहिए। हम हेल्प जरूर करेंगे बेटा, बट स्पून फीडिंग एक हद तक, इतनी ज़्यादा नहीं कि आप इसकी समरी भी आपको लिखवा दो। ये करो तो आपको बहुत हेल्प होगा। सो दोस्तों, मुझे ये बताइए, मुझे आंसर चाहिए आपसे कि कौन कौन से कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे समरी कर रहे हैं, ओके बना रहे हैं मेरे डिस्कशन के बाद। यस, फटाफट यस बोलो, ऑनेस्टली कहना। ओके, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो बेटा ये जो है आप जो है यहाँ पे इतने 4 पॉइंट्स और कंक्लूडिंग लाइन आपको ये लिखना है कि गिवन केस में ओके प्लास्टो मैन्युफैक्चरर ने जो सप्लाई किया, मतलब जो गुड्स भेजा वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। और 1 लाइन और लिखना है कि वो सिचुएशन में रूल 55 लगता है और रूल 55 के हिसाब से चालान बनेगी, इनवॉइस नहीं बनेगा। इतने समरी पॉइंट्स जो है आपको बनाने हैं। अब लास्ट क्वेश्चन वैल्यूएशन पे, अब वो क्या कहते हैं, वेदर सुदामा इंडस्ट्रीज शुड इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ फ्री कॉस्ट प्लास्टिक और मोल्ड सप्लाइड बाय प्लास्टो मैन्युफैक्चर इन इट्स जॉब चार्जेस। तो इसके लिए रेफरेंस क्या है? वैल्यू की बात आई तो सेक्शन 15 तो आना ही चाहिए पिक्चर में। उन्होंने रेफर किया, साइड में लिखो क्या रेफर किया, 15(2)B लिख लिया साइड में। अब नेक्स्ट स्टेप, ओपन द बुक, 15(2)B क्या था ये देखो, ओपन द बुक 15(2)B क्या था ये देखो। उसके बाद में नेक्स्ट जस्ट एक ही सेक्शन का रेफरेंस है, अगर आपको याद होगा तो 15(2)B क्या था तो आपको लिंक समझ में आएगी बेटा। ओके, सिर्फ रीड करने से और सुनने से कुछ नहीं होता है जब तक आप खुद नहीं करोगे। 15(2)B ये था कि जो भी सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस है, तो ये केस में यहाँ पे सुदामा सप्लायर ऑफ सर्विस है, उसकी वैल्यू ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी, पर 15(2) के चार्जेस ऐड हो गए, क्लॉज ए टैक्सेस ऐड हो गए एक्सेप्ट जीएसटी। और अगर रिसिपियंट ने, जिसको मैं थर्ड पार्टी पेमेंट कहता हूँ, रिसिपियंट ने कोई पेमेंट कर दिया होगा फॉर विच सप्लायर इज लायबल टू पे, सुनना मेरी बात, रिसिपियंट ने कोई पेमेंट कर दिए होगे फॉर विच सप्लायर इज लायबल टू पे, तो वो इस सप्लायर के वैल्यू में ऐड हो गए। पर जॉब वर्क के केस में जहाँ तक देखा जाए तो ये जो रॉ मटेरियल सप्लाई हुआ, मोल्ड सप्लाई हुआ, उसकी लाइबिलिटी सप्लायर की नहीं थी। सुनो मेरी बात, उसकी लाइबिलिटी जॉब वर्कर की नहीं थी, वो तो जॉब वर्कर को फ्री सप्लाई हुआ, उसका तो सिर्फ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट था। इसलिए 15(2)B के तहत ओके व्हाट एवर द कॉस्ट इनकर्ड बाय द रिसिपिएंट, ओके यहाँ पे वो कॉस्ट जो रिसिपिएंट को इनकर्ड हो रहा है ओके उसकी लाइबिलिटी सप्लायर की नहीं थी, बिकॉज उसका जॉब वर्क कॉन्ट्रैक्ट था, सप्लायर सर्विस का था, तो वो सिचुएशन में उसके वैल्यू में ऐड नहीं होगा। ऐसा अगर आप प्रॉपरली लिखोगे तो मार्क्स आएंगे बेटा। एक स्टेटमेंट मेरा ध्यान से सुनो, मार्क्स मिलते हैं, लेते आना चाहिए। क्या आप में उतना दम है कि आप ले सकते हो? अगर है तो ये प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ उतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि क्या लिखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ आपको उस तरह से अपना आंसर जो है यहाँ ऐड करना है। तो अब देखो वो क्या है, तो 15(2)B के तहत एनी अमाउंट दैट सप्लायर इज लायबल टू पे इन रिलेशन टू सच सप्लाई बट विच इज इनकर्ड बाय रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई एंड नॉट इंक्लूडेड इन प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इज इंक्लूडेबल इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। हाउएवर Sudama Industries Limited should not include a value free of plastic and mold supplied by Plasto manufacturer in job charges, as Sudama Industries Limited are manufacturing of plastic pipes on job work basis. The scope of supply of Sudama Industries Limited is to manufacture plastic pipes from the raw material supplied from the Plasto manufacturer. Thus, at no point of time Sudama Industries Limited liable to pay the raw material cost और mold cost, इसलिए वो add नहीं होगा. इस तरह से आपका आंसर आना चाहिए. अब इसको शॉर्ट में अगर आप एक लाइन में लिख दो कि इट शुड नॉट बी एडेड एंड वैल्यू शुड बी ओनली 2 lakhs, मार्क्स कट सकते हैं. आपको लगता है कि आपने पूरा सही लिखा था, ऐसा लिखा था, वैसा लिखा था, लेकिन मार्क्स कट सकते हैं. इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि यहाँ पे सेक्शन 15(2)(b) का रेफरेंस दे दो. Where recipient incurred the expenses for which supplier is liable to pay, then it should be added in the value of supply. Okay, second point, in given case, it's a job work contract where the scope of job work to do the treatment or process on goods supplied by others. Okay, third point, thus the job worker that is Sudama is not liable for the plastic supplied or mold supplied by the principal. Hence, it should not be included in its value under section what beta, under section 15(2)(b). तो वो उसके वैल्यू में ऐड नहीं होगी ये चार्जेस. बात खत्म. अब स्टूडेंट्स अननेसेसरी अगर सेक्शन 19 के तरफ, 19 तो आईटीसी की बात करता है जॉब वर्क के केस में, क्यों डिस्कशन उधर डाइवर्ट करना चाहिए आपने, क्यों टाइम वेस्ट करना चाहिए. 143 यहाँ 143 का कंसर्न ही नहीं है, वैल्यूएशन क्या तो सेक्शन 15 से कंसर्न है. तो बस उतना ही आपने यहाँ पे लिखना चाहिए. तो चलो दोस्तों, ये पूरा डिस्कशन अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो प्लीज़ थम दीजिएगा. ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं. मैं आपके रिस्पांस पे कोशिश कर रहा हूँ ये लेक्चर में कि आपके रिस्पांस पे मेरा एक्सप्लेनेशन का डिज़ाइन करूँ. ओके, तो प्लीज़ आप रिस्पॉन्स भी कीजिएगा. तो नाउ नेक्स्ट, और अननेसेसरी कमेंट नहीं, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपको. तो नेक्स्ट यहां पे सेकंड, अलोक प्राइवेट लिमिटेड और रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर. सेकंड पे आते हैं, अलोक प्राइवेट लिमिटेड और रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर सेंड स्टील कैबिनेट्स वर्थ ₹50 lakhs अंडर द डिलीवरी चालान टू मेसर्स प्रेम टूल्स और रजिस्टर्ड जॉब वर्कर. चलो एनालिसिस कर लेते हैं. जॉब वर्कर कौन है बताइए यहाँ पे. तो जॉब वर्क है यहाँ पे मेसर्स प्रेम टूल्स. ये लिखना तो क्या होता है उसके ऊपर थोड़ा हमारा फोकस हो जाता है कि कौन जॉब वर्क, नहीं तो फिर क्या हो जाता है हमने फटाफट पढ़ लिया तो हमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कौन जॉब वर्कर है कौन प्रिंसिपल है. तो मेसर्स प्रेम टूल्स तो क्या कंसेप्ट सिंथेसाइज हो रहा है. ओके, और मैंने अलोक प्राइवेट लिमिटेड प्रिंसिपल है अलोक प्राइवेट लिमिटेड, अलोक प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है. अब देखो क्या कह रहे हैं, सेंड स्टील कैबिनेट वर्थ ₹50 lakhs. इसने ओके स्टील कैबिनेट भेजा, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ SC, स्टील कैबिनेट भेजा. आप मेरे साथ एनालिसिस करो, इन्वॉल्व हो जाओ बेटा, भूल जाओ सब कुछ. फिर से कहता हूँ जो हुआ अच्छा हुआ, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा. तो बेटा यहाँ पे स्टील कैबिनेट उसने भेजा, वैल्यू कितनी है, वैल्यू 50 लाख, सॉरी हाँ 50 lakhs है, ठीक है 50 lakhs है. उसके बाद में यहाँ पे ये जॉब वर्कर है प्रेम टूल्स फॉर जॉब वर्क ऑन 28/1. ओके डेट भी लिख लेते हैं, 28/1/2020 को भेजा, ठीक है. उसके बाद में द स्कोप ऑफ जॉब वर्क इंक्लूडेड माउंटिंग द स्टील कैबिनेट्स ऑन अ मेटल फ्रेम एंड सेंडिंग द माउंटेड पैनल बैक टू अलोक प्राइवेट लिमिटेड. तो नाउ ये जो कैबिनेट है ये फिक्स किया जाएगा और फिर माउंटेड कैबिनेट जो है ये प्रिंसिपल को वापस किया जाएगा, ठीक है. चलो, द मेटल फ्रेम इज टू बी सप्लाइड बाय मेसर्स प्रेम टूल्स. द मेसर्स प्रेम टूल्स हैज अग्रीड टू अ कंसिडरेशन ऑफ 5 lakhs फॉर एंटायर माउंटिंग एक्टिविटी इंक्लूडिंग द सप्लाई ऑफ मेटल फ्रेम. तो जो मेटल फ्रेम है वो खुद यूज करेगा. ये जो मेटल फ्रेम है वो खुद यूज करेगा बेटा, और वो टोटल मेटल फ्रेम के साथ उसने जो वैल्यू है वो वैल्यू जॉब चार्जेस की ₹5 लाख, जॉब चार्जेस की मेटल फ्रेम के साथ ₹5 lakhs फॉर एंटायर माउंटिंग एक्टिविटी इंक्लूडिंग सप्लाई मेटल फ्रेम. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माउंटिंग एक्टिविटी वेस्ट इज जनरेटेड. चलो, मतलब एक और एडिशनल फैक्ट्स यहाँ पे वेस्ट जनरेट हुआ, वेस्ट इज जनरेटेड विच इज सोल्ड बाय मेसर्स प्रेम टूल्स फॉर ₹45,000। हाँ, ये जो वेस्ट है ये वेस्ट प्रेम टूल्स ने बेच दिया और ये जो है इसकी वैल्यू और उसकी वैल्यू कितने में बेचा बेटा, यहाँ पे मेरे साथ एनालिसिस करो, मेरे साथ एनालिसिस करो, आप भी बनाओ तो मज़ा आएगा। 45,000 में सेल कर दिया, सोल्ड, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मेसर्स प्रेम टूल्स सेंड द स्टील कैबिनेट माउंटेड ऑन मेटल फ्रेम, हाँ, माउंटेड ऑन मेटल फ्रेम टू अलोक प्राइवेट लिमिटेड ऑन 3 दिसंबर 2020। मतलब यहाँ पे जो वापस भेजा प्रोसेस करके वो 20 को भेजा, ठीक है, जनवरी में आया, दिसंबर में भेजा, ठीक है। नाउ एज्यूमिंग दैट जीएसटी रेट ऑन मेटल फ्रेम इज 28%, मेटल फ्रेम पे 28%, मेटल वेस्ट पे 12% and standard rate of services 18%. You are required to compute GST liability of Messrs Prem Tools. हाँ, आपको जॉब वर्कर की लाइबिलिटी GST लाइबिलिटी निकालना है आपको जॉब वर्कर की, ठीक है। उसके बाद में मेटल फ्रेम भेजी थी, मेटल फ्रेम के रेट जो दिए गए वो यहाँ पे 28% दिए गए, सर्विस के रेट 18% दिए गए और मेटल वेस्ट के 12% दिए गए। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट जीएसटी लायबिलिटी ऑफ मेसर्स प्रेम टूल्स, आल्सो गिव द रीजंस ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन ऑफ वैल्यू पे कुछ सवाल है इन जॉब चार्जेस फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी बाय मेसर्स प्रेम टूल्स। मैं 1 मिनट का टाइम दूंगा, आप सोचो ये केस स्टडी पे। ओके, मतलब हमें लायबिलिटी निकालना है, वैल्यूएशन भी करना है, तो किस तरह से होगा। ओके, थोड़ा सोचो। ओके, आंसर मत देखना, पहले जितना भी रफ याद आता है कॉमन सेंस से समझता है। ओके, आपने नहीं भी पढ़ा होगा, रिवाइज किया होगा, तो भी आपका कॉमन सेंस क्या कहता है वो सोचो कि वैल्यू में लायबिलिटी कैसे आएगी, क्या आएगी। ओके, एक का आंसर है कि वेस्ट पे तो यहाँ पे रेट 12% लगेगा और वेस्ट अलग से टैक्सेबल होगा। चलो ठीक है, वह वेस्ट तो अलग से टैक्सेबल होगा, मैं ये समझ गया हूँ। ओके, और क्या सोचा आपने? आप अपने व्यूज शेयर कर सकते हो। सोचो सोचो सोचो, मेरे साथ ये 1 घंटा पूरा माइंड ऐसा बिजी होना चाहिए। यस, कम ऑन, वेरी गुड। यहाँ पे जहाँ तक है प्रीति ने कहा है कि ये कंपोजिट सप्लाई होगा। अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो मेटल फ्रेम, और ये मेटल फ्रेम किसने लगाई थी? मेटल फ्रेम जॉब वर्कर ने खुद ने लगाई की थी जॉब वर्क प्रोसेस में। मेटल फ्रेम जॉब वर्कर ने खुद ने लगाई थी जॉब वर्क प्रोसेस में। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे अब उसके जॉब चार्जेस, अगर उसे पूरा कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का देखो तो 18% रेट है। अगर इमेजिन करो यहाँ पे 2 सेकंड के लिए इमेजिन करो कि यहाँ उसका कंपाउंडेड 5 लाख दिया है, लेकिन ये अलग अलग होता कि भाई 2 लाख सर्विस का और मेटल फ्रेम का यहाँ पे 3 लाख। तो आप क्या सोचते हैं कि सर्विस पे 18% लगेगा और मेटल फ्रेम के 28%। पहली बात तो कहो उन्होंने अलग अलग दिया नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने यहाँ पे, ये तो मैंने जस्ट एग्जाम्पल लिया, प्लीज़ इसके ऊपर क्वेश्चन मत पूछना, जस्ट एग्जाम्पल लिया। तो उन्होंने यहाँ पे अलग अलग तो दिया नहीं है बेटा। तो भी यहाँ पे आपका लॉजिक क्या लगता है कि ये कंपोजिट सप्लाई, मतलब हमें ये कंपोजिट सप्लाई पे भी कमेंट देनी पड़ेगी। ओके, कंपोजिट सप्लाई है और पूरा सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि वो प्रिंसिपल सप्लाई है, तो सप्लाई ऑफ सर्विस में जाएगा और रेट 80% में। ओके, यानी पूरे 5 लाख पे 18% रेट लायबिलिटी आएगी। ये बात समझ रहे हो? तो वेस्ट पे तो अलग आएगी। तो अब यहाँ पे हमें कंपोजिट सप्लाई पे कमेंट देना है, वैल्यूएशन पे कमेंट देना है। ओके, और यहाँ पे जो वेस्ट जॉब वर्कर ने बेचा, तो क्या जॉब वर्कर वेस्ट बेच सकता है क्या? ये कहाँ लिखा है? अगर जॉब वर्कर बेच सकता है तो। और दूसरी बात, जॉब वर्कर अगर वेस्ट बेच रहा है तो उसका रेट क्या होगा, तो इस पर भी कमेंट देना है। तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा यहाँ पे आंसर देखते हैं, इंस्टीट्यूट ने क्या क्या रेफरेंसेस लिए देखते हैं, कैलकुलेशन कैसे देखते हैं। ओके, और फिर हमारा आंसर डिजाइन करते हैं, जो आप जरूर करोगे मेरा क्लास होने के बाद। तो चलिए बेटा, यहाँ पे देखो, पहले ढूंढ लो। ओके, सब पढ़ने के पहले ढूंढ लो। उन्होंने शेड्यूल पैरा 3 शेड्यूल 2 का रेफरेंस लिया है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे भी पैरा 2 शेड्यूल 3 का रेफरेंस लिया है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे 143(5) का रेफरेंस लिया है। डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और ये रेफरेंस लेके चलो साइड में लिखो, साइड में लिखो क्या क्या रेफरेंस लिए। पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 2 का रेफरेंस है और सेक्शन 143(5) का रेफरेंस है। ओके, तो अब आपने क्या करना, अब आपने बुक फिर से याद नहीं आएगा आपको। और क्या मैं भी आपकी जगह होता है तो स्टूडेंट, तो मेरे को कहाँ इतना सारा 8 सब्जेक्ट्स पढ़ लिया हमने, उसमें से ये कहाँ हैं। ओके, मुश्किल है, पर बाय डूइंग इट लर्न इट एंड डोंट मग अप, डोंट जस्ट ट्राई टू, जस्ट एक ये दिमाग से साइकोलॉजी निकाल लेना कि एक बार मैंने रीड कर लिया तो मुझे याद आ जाएगा, फिर मैं अपने आप को नहीं भूलता हूँ। ओके, फॉरगेट इट। ओके, बाय डूइंग इट यू ओनली कैन एज यूर सेल्फ। ठीक है। सो दोस्तों, यहाँ पे ये मिक्स सप्लाई क्यों नहीं, एक सवाल भी आ सकता है कि सर ये मिक्स सप्लाई क्यों नहीं, क्योंकि जॉब वर्क के केस में वो नेचुरली बंडल होता है जो अपना मटेरियल यूज़ करता है। जैसे एक टेलर है, टेलर को आपने फैब्रिक्स दिया तो वो बटन्स यूज़ करेगा। ओके, वो बटन्स यूज़ करेगा, उसके बाद में नेक्स्ट वो कॉलर मटेरियल यूज़ करेगा। वो नेचुरली बंडल है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही वो था। तो ये कंपोजिट सप्लाई में इसलिए बेटा क्योंकि वो नेचुरली बंडल्ड है, आप ये कर ले सकते हो, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनाना था उसमें वो फ्रेम जरूरी थी। ओके, नेचुरली बंडल्ड है, सिंगल प्राइस है और प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो वो सिचुएशन में आप जो है यहाँ पे जॉब सिंगल प्राइस है तो ले सकते हो। मिक्स सप्लाई जॉब वर्क के केस में मत लेना, क्योंकि जॉब वर्क जो भी प्रोसेसिंग में मटेरियल यूज कर रहा है बेटा, तो वो नेचुरली बंडल ही होता है क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। ठीक है। तो बेटा यहाँ नेक्स्ट चलिए, अब उन्होंने इस 2 पैराग्राफ को किस ढंग से यूज किया अपने आंसर में, ये भी देखते हैं, फिर उसको समराइज करते हैं। मैं आपके साथ रीड करता हूँ। ओके, और देखो बेटा, जो स्टूडेंट ने नहीं भी पढ़े होंगे ये चैप्टर, उनको भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। मुझे याद है, जब मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, मुझे याद है कि मैं लॉ, DT, IDT और बाकी सब्जेक्ट की तो पढ़ाई करता था, लेकिन मेरा ऑडिट रह गया था। और ऑडिट यानी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था ऑडिट। ओके, एक्सेप्ट प्रोफेशनल एथिक्स। और एग्जाम को 1 महीना बाकी था, तो मैंने क्या किया था, पिछले 10 साल की सजेस्टेड ले ली थी और आंसर से मैं कंसेप्ट समझते गया, आंसर से कंसेप्ट समझते गया। अच्छा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। एटलीस्ट आपने तो भी पूरा GST एक बार मेरे से कोचिंग किया है, आपने पढ़ा है। तो बहुत सी बार क्या होता है, जितना ज़्यादा आप ये प्रैक्टिस करोगे ना, आप आंसर से समझते भी जाओगे और उतना आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होते जाएगा। ओके, आई गॉट 56 मार्क्स इन ऑडिट। ओके, जस्ट मैं 10 साल की सजेस्टेड पढ़ के चले गया, उससे समझ लिया, लिखने का पैटर्न समझ लिया। ओके, एंड दैट्स ऑल। एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर हो गया। भाई मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था पर हो गया। तो ऐसा ही आपको हेल्प करेगा बेटा। तो देखो यहाँ पे चलिए पहले आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ शेड्यूल पैरा 3 शेड्यूल 2 में यहाँ पे उन्होंने किस तरह से उस पैरा को यूज किया। ट्रीटमेंट और प्रोसेस which is supplied to another person's goods is a supply of service and accordingly okay GST is applicable। ठीक है। तो next in given case Messrs Prem Tools job worker undertake the process of mounting the steel cabinet Alok Private Limited on metal frame in view of para 3 of schedule 2 is cited above mounting activity classified as a service even though metal frame are also supplied। ये वर्डिंग्स आपके आंसर में आना जरूरी है, आप साइड में नोट में लिख दो। ये वर्डिंग्स जो है इंस्टीट्यूट चाहती है और एग्जाम में इसको अंडरलाइन भी करना, क्योंकि उनको पूरा आंसर देखने का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए एग्जाम में इसको अंडरलाइन भी करना, जो सो दैट कि अंडरलाइन करते वो इतना देख लेंगे और बात खत्म। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली जॉब चार्जेस विल बी चार्जेबल एट द रेट 18%। दूसरा, फर्दर वैल्यू ऑफ स्टील कैबिनेट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ मेसर्स प्रेम टूल्स एज अ सप्लाई ऑफ कैबिनेट डज नॉट फॉल विद इन द स्कोप ऑफ सप्लाई एज मेड टू प्रेम टूल्स। हाँ, एक पॉइंट उन्होंने ये भी कंसिडर किया कि जो प्रिंसिपल ने गुड्स दिया क्या वो इस जॉब वर्कर के वैल्यू में ऐड होगा क्या। अभी हमने सेक्शन 143 ऊपर देखा था कि प्रिंसिपल ने दिया हुआ गुड्स वो सप्लाई ही नहीं है एंड दैट इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द जॉब वर्कर। ओके, तो वो केस में वो ऐड नहीं होगा, उस पर भी कमेंट है। नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ आप देते हैं तो 143(5) को कैसे यूज किया। एज रिगार्ड द सेल ऑफ वेस्ट जनरेटेड। हाँ, 143(5) जो है अब वेस्ट जनरेटेड है। अब आपने कभी 143 सेक्शन याद नहीं किया तो 5 कैसे याद रहेगा। पर अब देखना दोस्तों, अब मैं स्पेसिफिकली पढ़ रहा हूँ ना तो आपको याद आ जाएगा। अच्छा, 143(5) में वेस्ट से रिलेटेड दिया हुआ है। देखो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, बिल्कुल यूज करना है इसको सभी सब्जेक्ट्स में। तो अब एज रिगार्ड टू सेल ऑफ वेस्ट जनरेटेड during the job work, since Messrs Prem Tools is registered, tax leviable on supply will have to be paid by under सेक्शन 143(5). आप अगर पढ़ोगे जॉब वर्क चैप्टर तो उसमें एक सेक्शन मिलेगा, एक प्रोविजन मिलेगी आपको कि वेस्ट जो जनरेट होता है वेस्ट जॉब वर्कर भी बेच सकता है। अगर जॉब वर्कर बेच रहा है तो उसका जीएसटी जॉब वर्कर देगा, अदरवाइज वो वापस प्रिंसिपल को दे सकता है। तो यहाँ पे 143(5) में आप जॉब वर्कर यहाँ पे वेस्ट उसका टैक्स देगा और वो जो भी वेस्ट को रेट अप्लीकेबल है उसके हिसाब से देगा। उसके बाद में जॉब चार्जेस, यहाँ पे 5 लाख पूरा कंपोजिट सप्लायर दे रहे हैं। उसके बाद में जीएसटी 18% 90,000 और मेटल वेस्ट 45,000 उसका 12% और लाइबिलिटी निकालेगी। लेकिन मैं इंस्टीट्यूट ने जो आंसर दिया इससे भी अच्छा आंसर देना चाहता हूँ। ये जो 2 पैराग्राफ है ना कि भाई ये वो पार्ट ऑफ द सप्लाई, यहाँ आप सेक्शन 8 कंपोजिट सप्लाई का भी यहाँ पे रेफरेंस लो। बहुत इंप्रेशन आपका, बहुत इंप्रेसिव आंसर होगा। ओके, आप ये पैराग्राफ को थोड़ा अपने तरह से मोल्ड कर दो कि भाई ये जो है along with services that frame is supplied is a composite supply naturally bundled and part of the contract, hence entire contract is classifiable as a principal supply। मज़ा आ जाएगा बेटा आंसर में। ओके, यानी आपने जो फ्लेवर ऐड कर दिया ना, इंस्टीट्यूट से भी अच्छा फ्लेवर ऐड कर दिया उसके अंदर, तो रियली आपको मज़ा आ जाएगा। तो फिर मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि इसमें थोड़ा आप अपने हिसाब से भी मोल्ड कर सकते हो, आपको अगर और अच्छे से लिखना है तो इंप्रेसिव होगा। तो हमने क्या क्या लिखना है, चलो हमने सेक्शंस लिख लिए, ओके, प्रोविजंस पढ़ ली, पैटर्न देख लिया किस तरह का आंसर होना चाहिए। अब हमें शॉर्ट में समराइज करना है शेड्यूल 2 वाला। ओके, ट्रीटमेंट ऑन अदर प्रोसेस वुड बी क्लासिफाइबल एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। ओके, हेंस इन गिवन केस जो भी प्रेम टूल्स दे रहा है इट्स अ जॉब वर्क सर्विस, इट्स अ जॉब वर्क सर्विस ऑन अनादर्स गुड्स। उसके बाद में कंपोजिट सप्लाई पे कमेंट दो, जिसमें ये लाइन आनी चाहिए कि वो जो गुड सप्लाई कर रहा है इवन दो मेटल फ्रेम उसने सप्लाई की पर वो पार्ट ऑफ द एक्टिविटी है, इट्स अ कंपोजिट सप्लाई एज पर सेक्शन 8। सेक्शन 8 का भी रेफरेंस लो अगर आपको हेल्प होता है तो। और उसके बाद में 145 पे उसमें 2 लाइन में या 1 लाइन में कमेंट दो कि ऑन वेस्ट सेपरेट टैक्स इज पेएबल बाय द जॉब वर्कर, और वो दे रहा है और कैलकुलेशन बताओ। 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो बेटा डिस्कशन ठीक लगा तो यस कहिए। चलो मैं आज आपको इन्वॉल्व करना चाहता हूँ मेरे डिस्कशन में। वन साइड डिस्कशन आज मैंने सोचा कि वन साइड नहीं रखते, आपको भी इन्वॉल्व करता हूँ। तो चलो यहाँ पे अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो आप यस कहिएगा। एक क्वेश्चन इसमें आपके दिमाग में आ सकता है क्या कि सर अगर यहाँ पे मेटल फ्रेम और सर्विस चार्जेस अलग अलग दिए होते, मेरा ये मानना है कि मेटल फ्रेम और सर्विस चार्जेस अलग अलग भी दिए होते तो भी टोटल कंपोजिट सप्लाई में ही जाता, टोटल कंपोजिट सप्लाई में ही जाता। क्यों? क्योंकि वो नेचुरली बंडल्ड है, सेपरेट लिखने से वो सेपरेट क्लासिफाई नहीं होता है। मेरे हिसाब से टोटल इसमें ही जाता और आपने टोटल ही लेना था क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था, लिखा हुआ है क्लियर कि उसको मेटल फ्रेम देनी है, कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था, वो कंपोजिट सप्लाई टोटल में ही जाता है। जस्ट मियरली बिकॉज यू सेपरेटली मेंशन तो वो सेपरेट क्लासिफाई नहीं होगा। ये तो बहुत बड़ी टैक्स प्लानिंग हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टूड बेटा। चलिए ओके, आप सेटिस्फाइड है ये एक्सप्लेनेशन से? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बेदी मैन्युफैक्चरर और रजिस्टर्ड पर्सन इंस्ट्रक्ट इट्स सप्लायर टू सेंड द कैपिटल गुड्स डायरेक्टली टू राजेश एंटरप्राइजेस हु इज अ जॉब वर्कर। चलो यहाँ पे बनाओ, एनालिसिस करो मेरे साथ, शुरू हो जाओ। कौन है जॉब वर्कर? यहाँ पे राजेश एंटरप्राइजेस, राजेश एंटरप्राइजेस इज अ जॉब वर्कर। पूरा नहीं लिखना, शॉर्ट में एनालिसिस चल रहा है। और सब प्रिंसिपल कौन है? बेदी मैन्युफैक्चरर, ये बेदी मैन्युफैक्चरर है, ये प्रिंसिपल है, वो गुड सप्लाई कर रहा है। ठीक है, आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर कैरिंग आउट सर्टन ऑपरेशन ऑन द गुड्स। ठीक है, गुड्स वेर सेंड बाय द सप्लायर ऑन 10/4, सप्लायर ने 10/4 को दिया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे वे रिसीव्ड बाय द जॉब वर्कर ऑन 15/4, जॉब वर्कर को मिला 15/4 को, 15/4 को मिला। ठीक है, राजेश एंटरप्राइजेस कैरीड आउट अ जॉब वर्क बट डिड नॉट रिटर्न द कैपिटल गुड्स टू देयर प्रिंसिपल बेदी मैन्युफैक्चरर। जॉब वर्क तो हुआ पर गुड्स वापस ही नहीं किया। डिस्कस वेदर बेदी मैन्युफैक्चरर आर एलिजिबल टू रिटेन द इनपुट्स क्रेडिट अवेल बाय देम ऑन कैपिटल गुड्स, व्हाट द एक्शन अंडर जीएसटी एक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन बाय बेदी मैन्युफैक्चरर। अब देखो क्या हुआ कि इसने गुड्स भेजे थे जिसका आईटीसी उसने ले लिया था। ठीक है, पर गुड्स वापस नहीं आए कि जो गुड्स वापस आने चाहिए नहीं आए। तो उन्होंने पूछा कि क्या वो बेदी मैन्युफैक्चर जिसने आईटीसी लिए क्या वो रख सकता है, उसके आईटीसी कंटिन्यू कर सकता है। और नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन व्हाट एक्शन अंडर जीएसटी एक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन बाय बेदी मैन्युफैक्चरर or taken by the Bedi manufacturers, and what would be your answer if place of capital goods, jigs or fixtures are supplied to job worker and same has not been returned to principal। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से स्ट्रक्चर करें आंसर। ओके, पहले आपका कॉमन सेंस क्या कहता है, ठीक है, फिर हम देखेंगे। गुड्स नहीं दिया उसने वापस, ओके, तो पहली बात तो वापस नहीं दिया तो सेक्शन 19 के हिसाब से आईटीसी रिवर्स करना है। सेक्शन 143 में भी आईटीसी का रिवर्सल बोला है, बेदी को रिवर्सल करना पड़ेगा। और 1 साल 3 साल में वापस नहीं आया तो डीम सप्लाई मान लिया जाएगा। ये प्रोविजन आ गई दिमाग में, प्रोविजन आ गई रफली। चलो किसी के लिए नहीं आई होगी तो भी पढ़ने के बाद तो भी उसको क्लिक हो जाएगी कि हमने ये पढ़ा था। तो बेटा चलिए यहाँ पे पहले सेक्शन साइड में लिख लो, सेक्शन साइड में लिख लो 19(5), 19(6)। सर अगर सब सेक्शन नहीं याद आए तो सेक्शन 19 तो याद आएगा। सर सेक्शन 19 याद नहीं आया तो एज पर 11 प्रोविजन ऑफ जीएसटी लॉ तो याद आएगा। सर वो भी याद नहीं आया तो फिर कुछ मत लिखो, ओके, छोड़ देना आंसर बस, और क्या है। तो नाउ यहाँ पे 19(6) और किसका रेफरेंस लिया इन्होंने, चलो इतने सेक्शन का, और एक 19(7), यानी पूरा रेफरेंस सेक्शन 19 के हिसाब से है। तो चलो हम पढ़ लेते हैं और इसको अरेंज कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे साइड में लिख लिया आपने 19(5), 19(6), 19(7), ओके, ऐसे 3 सब सेक्शन के रेफरेंस और सेक्शन 19 पे ये आंसर लाया गया। 19 का देखा था तो आईटीसी चैप्टर में हमने सेक्शन 19 ये देखा था। चलिए ठीक है, एज पर सेक्शन 19(5), the principal is entitled to take input tax credit on capital goods sent for job work even if said goods are directly sent to the job worker। हाँ, ये directly sent to the job worker वो ITC ले सकता है। पहले तो ये point cover किया है। 19(6) में stipulate that where capital goods sent directly to the job worker are not received back by the principal within the period of 3 years of the date of receipt of capital goods by the job worker, it shall be deemed to be that such capital goods have been supplied and a deemed supply माना जाएगा on the day when such capital goods were sent. In view of aforesaid provision, Bedi manufacturers are eligible to retain input tax credit availed by them on the capital goods. ठीक है, however if capital goods are not returned by Rajesh Export within 3 years from जब उसको रिसीव हुआ वहाँ से, it shall be deemed that such capital goods have been supplied by Bedi manufacturers to Rajesh Enterprises and Bedi manufacturers shall liable to pay tax along with that. However, there is no time limit for returns of time limit for mold, die, jigs and fixtures, tools etc. ठीक है, उसके बाद में however Rajesh Enterprises does not return the jigs and fixtures of Bedi manufacturer, it shall not be considered as supply for jigs, fixtures etc. इन दिस केस ऑल्सो बेदी मैन्युफैक्चरर विल एलिजिबल टू रिटेन द इनपुट्स। चलो इसको थोड़ा अरेंज करते हैं। यहाँ पे सबसेक्शन याद नहीं आ रहे तो बस एज पर सेक्शन 19 बस उतना जरूरी है। अब आपने क्या लिखना है, यहाँ गुड्स डायरेक्टली सेंट हुआ, अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो गुड्स डायरेक्टली सेंट हुआ तो जिस दिन रिसीव होगा जॉब वर्कर को, देखो हमारे प्रीमाइसेस से सेंट हुआ तो जिस दिन भेजा वहां से 1 साल या 3 साल लिया जाता है, और गुड्स अगर डायरेक्टली रिसीव हुआ तो जिस दिन रिसीव हुआ वहां से 1 साल या 3 साल लिया जाता है। इज इट क्लियर, सबको क्लियर हो रहा है? चलो ये बात हमने देखी। अब दूसरी बात क्या देखना है बेटा हमको, दूसरी बात यहाँ देखना है हमको क्या पॉइंट्स कवर करने हैं। दूसरी बात ये कवर है कि अगर रिसीव नहीं, अगर गुड्स विद इन टाइम नहीं आता है 1 ईयर और 3 ईयर्स तो उसे डीम सप्लाई माना जाता है। और किस दिन का डीम सप्लाई माना जाता है वो भी आपको, क्योंकि जिस दिन भेजा गया यानी जिस दिन रिसीव हुआ उस दिन का डीम सप्लाई माना जाएगा और टैक्स लाइबिलिटी आएगी। उसके बाद में आपको स्पेशल कमेंट लिखना है मोल्ड, डाई, जिक्स पे। तो इतने पॉइंट्स आपके तैयार होने चाहिए। आप अभी मेरे साथ होमवर्क करोगे, ओके, क्लास होने के बाद, ओके, 19 के हिसाब से इनपुट्स और कैपिटल गुड्स आप भेज सकते हो, आईटीसी ले सकते हो, उस पर कमेंट। अगर वो 1 ईयर और 3 ईयर्स में नहीं आया कैपिटल गुड्स तो वो सिचुएशन में डीम सप्लाई माना जाएगा। ये दूसरा पॉइंट, डीम सप्लाई ऑफ दैट डेट व्हेन इज रिसीव्ड टू द जॉब वर्कर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये है कि गिवन केस में कि वो 3 ईयर्स में नहीं आया है कैपिटल गुड्स तो वो सिचुएशन में वो डीम टू बी सप्लाई माना जाएगा। लेकिन कि दिस रिटर्न बैक कंडीशन इज नॉट अप्लीकेबल टू मोल्ड, डाई, जिक्स और फिक्सचर्स। वो नहीं भी आए तो भी वो अपना क्रेडिट कंटिन्यू रख सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके आने चाहिए, सेक्शन के रेफरेंस आने चाहिए। दैट्स ऑल बेटा, ओके, आपने बहुत अच्छे से लिख लिया आंसर को, ठीक है। तो ये हमने कंसेप्ट देखा यहाँ पे रिगार्डिंग टू जॉब वर्क। और तो कोई क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए यहाँ पे यस ये चैप्टर हमारा जॉब वर्क सोचा ख़त्म हो गया। पहले तो मैंने सोचा था कि ये क्या है क्वेश्चन तो आपके साथ डिस्कस करना है, मैं ख़त्म कर दूंगा फटाफट पूरा डिस्कशन, लेकिन जितना मैं आपके साथ इन्वॉल्व हो रहा हूँ उतना मुझे ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये भी बताओ कैसे लिखना चाहिए आपने एग्ज़ाम में। आई एम ब्रिंगिंग क्लोजर टू दैट कंसेप्ट, हाउ टू राइट द राइट योर आंसर्स इन एग्ज़ाम्स। ओके तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा बेटा। हाँ एक पॉइंट आप और ज़रूर लिख सकते हो। ओके एक सजेस्ट किया यहाँ पे रेखा ने। ओके और वो पॉइंट ये लिख सकते हो कि आप एक्सटेंशन ले सकते हो, मतलब एक्सटेंशन ऑफ 1 ईयर और 2 ईयर इज अवेलेबल। तो वो पॉइंट भी लिखना है तो जरूर लिख सकते हो कि इफ एक्सटेंशन ग्रांटेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर फॉर इनपुट 1 ईयर और कैपिटल गुड्स 2 ईयर्स, अपने तरफ से वो पॉइंट जरूर ऐड कर सकते हो आप। तो वो भी पॉइंट आप शॉर्ट में लिख दो कि एक्सटेंशन का पॉइंट भी लिख सकते हो। ओके तो इस तरह से आपको आंसर खत्म करना है। तो हमने ये देखे क्वेश्चंस बेटा, पर बेटा ये सिर्फ प्रैक्टिस चल रही कि एग्जाम में कैसे लिखना चाहिए, क्वेश्चंस नए भी आ सकते हैं, इसलिए जॉब वर्क से रिलेटेड जो एंड वाला क्लैरिफिकेशन है वो अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, डेफिनेटली आपको वो हेल्प करेगा। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहाँ पे चलो बेटा। नेक्स्ट चैप्टर है और वो चैप्टर है असेसमेंट। इसका एक क्वेश्चन तो भी देख लेते हैं। अब चैप्टर मैंने कहा है कि आपने रीड करना है, तो बाकी का डिस्कशन हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। असेसमेंट एंड ऑडिट, ओके ये चैप्टर ले लेते हैं। या कुलभूषण एंड सन्स हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई 2 कंसाइनमेंट ऑफ सर्टेन टैक्सेबल गुड्स। ठीक है, नई चैप्टर याद आ रहा होगा, नहीं पढ़ा होगा डोंट वरी, हम वैसे भी पढ़ के अरेंज करने वाले हैं तो अभी हो जाएगा हमारा। ठीक है, कुलभूषण एंड सन्स। एक बात और कह दो आपका कि बिल्कुल मत डरना क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए आरटीपी के मॉक टेस्ट पेपर। आप अगर ये साइकोलॉजी से जाओगे कि मैंने पढ़ा हुआ है, अब मैं क्वेश्चन जो है ना, मैं क्वेश्चन पढ़ने का मुझे याद आना चाहिए, ओके, और क्या हो जाता है वहीं फेल हो जाते हो आप। तो क्या हो जाता है जैसे आप माइंड को प्रेशर देते हो आरटीपी इन मॉक टेस्ट पेपर एंड मेरा क्वेश्चन है और ये पढ़ने जाते हो, नहीं याद आता है तो डर जाते हो, और डर जाते हो तो फिर फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, छोड़ देते हो और फिर ये सोचते हो कि हम टाइम पे तय कर लेंगे। बिल्कुल ऐसा मत करो, बिल्कुल ऐसा मत करो, फॉरगेट इट। द बेस्ट वे टू रीड द क्वेश्चन आंसर जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, मेरे क्वेश्चन है इसमें ये ओके, नहीं ना नहीं याद आ रहा है ना, फॉरगेट इट, अभी हम याद करेंगे, अभी पॉइंट डिसाइड करेंगे। देखो कितना इंटरेस्ट आता है, 1 घंटा हो गया और आपको पता भी नहीं चला कि 1 घंटा हो गया हमारे डिस्कशन में। तो ये प्रैक्टिस आप बार बार फॉलो करो, लर्निंग बाय डूइंग इट। ओके मेरे वर्ड ध्यान से रखना, लर्निंग बाय डूइंग इट, डू इट डू इट डू इट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम लेता हूँ। Kulbhushan and Sons has entered into a contract to supply 2 consignment of certain taxable goods. ठीक है, ओके साइड में लिखो एनालिसिस मेरे साथ, अब मैं नहीं लिखूंगा आप लिखते जाओ। ओके सप्लाई 2 consignment. However, since is unable to determine value of goods to supplied by it, it applies for provisional basis. Second point लिखो एनालिसिस में, application for provisional assessment along with requested document. On 12/1/2020, Assistant Commissioner of Central Tax issue an order allowing the payment of tax on provisional basis. तो लिखो provisional order by officer 12/1/2020 लिखा आपने मेरे साथ, लिखो लिखो लिखो। ठीक है, तो आपने provisional indicating the value on the basis of assessment is allowed on provisional basis and amount for which bond is to be executed. Bond also executed. Now Kulbhushan and Sons complies with the same and supplies both consignment of goods on 25/1 and thereafter paying the tax on provisional basis in respect of both the consignment on 19/2/2020. ठीक है, तो लिखो यहाँ पे supply made on 25/1 and tax paid on 19/2, provisional tax paid on 19/2. Consequent to the final order passed by the officer on 21/3, लिखो लिखो ये डेट, फाइनल ऑर्डर है 21/3 को, उसके नीचे लिखना टैक्स ₹180 ऑन फर्स्ट कंसाइनमेंट। फर्स्ट कंसाइनमेंट पे टैक्स ड्यू हुआ, ड्यू मतलब नेट टैक्स ड्यू हुआ 180, फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पे कंसाइनमेंट पे ओके बैलेंस टैक्स जो आया 180 एंड टैक्स ऑफ 4,20,000 बिकम रिफंडेबल ऑन सेकंड कंसाइनमेंट। सेकंड कंसाइनमेंट पे एक्स्ट्रा टैक्स नहीं आया, लिखो वहां पे सेकंड कंसाइनमेंट पे रिफंड आ रहा है, कितना रिफंड आ रहा है 4,20,000 लिखा आपने मेरे साथ। सेकंड कंसाइनमेंट पे रिफंड आ रहा है, लिखा आपने। ओके, डिटरमाइन इंटरेस्ट पेएबल एंड रिसीवेबल। ओके, तो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है प्रोविजनल असेसमेंट हुआ है और आपको जो ड्यू है उसके ऊपर इंटरेस्ट निकालना है। चलो ओके, असेसमेंट और ऑडिट ये चैप्टर में हो। एक सेकंड के लिए ओपन द बुक। ओके, कुछ याद मत करने की कोशिश करना, ओपन द बुक। ओके, उसमें यहाँ पे ये जो है सेक्शन 60 निकालो। ओके, सेक्शन 60 अगर आप ओपन करोगे, ओके, तो मैं भी आपके साथ अगर बुक ओपन करूँ, असेसमेंट और ऑडिट। मैंने भी चैप्टर ओपन कर लिया, फिर उसमें मैं आ गया सेक्शन 60 में। सेक्शन 60 में हमारा क्वेश्चन किस बात पे बात करता है? हमारा क्वेश्चन पूरा जो है वो इस पे बात करता है, इंटरेस्ट। मैं डायरेक्ट इंटरेस्ट का क्लॉज पढ़ूंगा। इंटरेस्ट में मुझे इंटरेस्ट जो देना है 18% पर एनम से देना है, जिसमें सेक्शन 50 के हिसाब से इंटरेस्ट देना है। पीरियड कब से देना है? हाँ, इंटरेस्ट मुझे एक्सेस अमाउंट पे भी देना है। पीरियड कब से देना है? तो पीरियड फर्स्ट डे आफ्टर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। सब मेरे साथ पढ़ेंगे। फर्स्ट डे आफ्टर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सेड सप्लाई, ओके, टिल द डेट ऑफ पेमेंट। ओके, तो जिस दिन जो मंथ का प्रोविजनल असेसमेंट था उसकी जो ड्यू डेट होगी उसके फर्स्ट डे से टिल द डेट ऑफ पेमेंट। वही प्रोविजनल असेसमेंट कस्टम्स का अलग, ओके, वहाँ इंटरेस्ट का पीरियड अलग, यहाँ पे इंटरेस्ट का पीरियड अलग। ये बात का ध्यान रखना आपने। ओके, उसके बाद में रिफंड, रिफंड पे इंटरेस्ट मिलेगा और वो 6% पर एनम से मिलेगा। ओके, तो या विद इन 60 डेज। तो हमने ये प्रोविजन अच्छे से पढ़ लिया, आप सभी ने पढ़ लिया, आप सभी ने। चलो, अब आंसर लिखने का तरीका, ओके, और इसको समरी हम बनाएंगे। देखो वो क्या कहते हैं, पहले तो साइड में लिखो कौन कौन सा सेक्शन रेफर करना है। सेक्शन 64 मुझे रेफर करना है, दूसरा सेक्शन 51 मुझे इंटरेस्ट रेट के लिए रेफर करना है, और तो कोई सेक्शन नहीं है। चलो, मैंने फिक्स कर लिया कि मुझे ये आंसर में कौन कौन सा सेक्शन रेफर करना है। तो देखो, एज पर सेक्शन 64 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। अच्छा, सेक्शन 60 भी लिखा तो चलेगा, अगर 64 याद आ गया तो अच्छी बात क्या है। अब हमने तो पूरा फोकस के साथ पढ़ा, पूरा पेनिट्रेट होके पढ़ा। ओके, तो हमने कंस्यू कर लिया उसको। तो अब ऐसे सिचुएशन में 64 ये कंसिडर होगा। स्टेट दैट द टैक्स लाइबिलिटी एज पर फाइनल असेसमेंट इज हायर देन अंडर प्रोविजनल असेसमेंट। तो कॉन्सिक्वेंट टू द असेसमेंट ऑर्डर द रजिस्टर्ड पर्सन शैल लायबल टू पे इंटरेस्ट, और वो इंटरेस्ट एज पर सेक्शन 50 देगा 18% पर एनम से। ये तो आपने इस पैराग्राफ में क्या आपको एक्सट्रैक्ट करना है? आपको ये है कि भाई इफ फाइनल असेस ड्यूटी, सिंपल वर्ड पे, इफ फाइनल असेस टैक्स इज मोर देन प्रोविजनल असेस टैक्स देन और फॉर डिफरेंशियल अमाउंट इज पेबल अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एट द रेट 18% पर एनम। इतना भी लिखा तो चलेगा। हाँ, सेकेंड पॉइंट, इंटरेस्ट इज पेबल फ्रॉम द फर्स्ट डे आफ्टर ड्यू डेट और पेमेंट ऑफ टैक्स टिल द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। ओके, तो अब उसकी ऑर्डर कभी भी लियो, जब तक एक्चुअल पेमेंट नहीं होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड, वो पीरियड करता है, इंटरेस्ट देना है। तो हमारा बताओ, हमने एनालिसिस किया है। अब आप क्वेश्चन को नहीं देखना, अपने एनालिसिस पे भरोसा करना। एनालिसिस क्या है? बताओ कौन से मंथ में प्रोविजनल असेसमेंट किया गया था? हमने जनवरी में प्रोविजनल असेसमेंट किया था, ठीक है। हाँ, सप्लाई, तो प्रोविजनल असेसमेंट हमने जनवरी में किया था। ओके, जनवरी में आपने लिखा होगा साइड में। हाँ, उसका पेमेंट प्रोविजनल टैक्स हमने फेब में दिया, पर असेसमेंट जनवरी। तो असेसमेंट अगर जनवरी का है तो उसकी ड्यू डेट क्या होगी? मंथली जाना एग्जाम में, क्वार्टरली जाना ही मत। जब तक क्वार्टरली स्पेसिफिकली नहीं दिया हो तब तक आप मंथली एज्यूम करना ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, और ऑलवेज आप 20 तारीख एज्यूम करना ड्यू डेट ऑफ पेमेंट फॉर एवरी आंसर। इवन दो नॉर्मल नोटिफिकेशन में वो एक्सटेंशन दिए गए होंगे, कहीं एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, वो एक्सटेंशन वगैरह बिल्कुल ध्यान मत रखना। और ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज द डेट ऑफ फाइलिंग योर रिटर्न 3B, और 3B जो है वो 20 तारीख का होगा। तो हर कैलकुलेशन में आपने 20 तारीख मंथली जाना डिफॉल्ट, जब तक कुछ स्पेसिफिक नहीं कहा गया हो, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे 20 फेब आ जाएगा, मतलब आपका इंटरेस्ट 21 फेब से चालू हो जाएगा। ओके, टिल द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ कंसाइनमेंट। तो आपके नंबर ऑफ डेज 48 आने चाहिए, सभी यस कहो। ओके, 48 आपके नंबर ऑफ डेज आ रहे हैं, यस और नो। ओके, 48 आपके आने चाहिए और अकॉर्डिंगली आप इंटरेस्ट डे बेसिस पे कैलकुलेट करोगे। ये तो हुआ कि आपको जो इंटरेस्ट देना है। कंसाइनमेंट नंबर 3 पे भी आपको लिखना पड़ेगा। कंसाइनमेंट नंबर 3 पे 60 सेक्शन का रेफरेंस दिया है। हाँ, अब यहाँ पे सेक्शन का रेफरेंस 65 और 54 क्योंकि बेटा देखो, आपको इस पे गवर्नमेंट इंटरेस्ट देगी और गवर्नमेंट इंटरेस्ट देगी आपके रिफंड पे, वो देगी 6% पर एनम से। तो आपका 6 उसमें 6% पर एनम दिखना चाहिए सेक्शन 56 के हिसाब से, सेक्शन याद रहे तो 6 ठीक। लेकिन यहाँ सेक्शन 56 में ओके रिफंड पे जो इंटरेस्ट है, रिफंड चैप्टर में अगर आपने पढ़ा होगा तो वो 6% पर एनम है। और वो अगर गवर्नमेंट ने जिस दिन आपने अप्लाई किया उस दिन से 60 डेज में नहीं दिया तो इंटरेस्ट देगी 61th डे से। 60 डेज में नहीं दिया तो इंटरेस्ट देगी 61th डे से। तो ऐसे सिचुएशन में गिवन केस में ओके 60 डेज में आ गया, अगर आप देखोगे तो रिफंड आपका 60 डेज में आ गया है ओके, तो ऐसे केस में इंटरेस्ट गवर्नमेंट से नहीं मिलेगा। हाँ बेटा, जिस दिन आपने अप्लाई किया फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, यानी ये तो और डेंजरस है, मतलब आपने जिस दिन अप्लाई किया वो नहीं, जिस दिन गवर्नमेंट को आपका रिफंड एप्लीकेशन आ गया वहां से 60 डेज जो है ओके, वहां से 60 डेज में गवर्नमेंट आपको रिफंड कर देती है तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे एप्लीकेशन की डेट से एप्लीकेशन 9/4 को फाइल हुआ और वहां से 60 डेज में आपको आ गया, तो बेटा ऐसे सिचुएशन में ओके 9/4 को और 5/6 को आपको रिफंड आया तो ये केस में आपको रिफंड इंटरेस्ट नहीं मिलेगा 6% फॉर एनम। एक पॉइंट आपकी तरफ से जरूर ऐड कर देना जो समरी बना रहा होगा, फॉर ग्रांटिंग द रिफंड एंड इंटरेस्ट ऑन रिफंड डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट इज एप्लीकेबल। यस, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट इज एप्लीकेबल। तो ये पहला प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया बेटा। यस, यहाँ पे फिर से ये आदत लगाओ, मेरा पूरा क्वेश्चन है डीटी के क्वेश्चन, लॉ के क्वेश्चन, ऐसे ही करना, आंसर पढ़ना फटाफट, क्या क्या लिखना है फिक्स करना, माइंड को कमांड्स देना और पूरे आंसर इसके तरह से पढ़ना। इसलिए एमटीपी पढ़ो, आरटीपी पढ़ो, पिछले 1-2 अटेम्प्ट की मॉक टेस्ट पेपर पढ़ो, ये पढ़ो, सजेस्टेड आंसर पढ़ो, क्वेश्चनर्स पढ़ो, जितना जो भी डेटा मेरे क्वेश्चन में मैंने सब कुछ लिया है, डोंट वरी फॉर दैट, मेरा एवरीथिंग इज कवर्ड। पढ़ के आप आंसर फिक्स करो ओके, याद करने की कोशिश मत करो। बस यहाँ सेशन यही एंड करता हूँ बेटा ओके, आगे का हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। तो लर्न बाय डूइंग इट। यस, लर्न बाय डूइंग इट, डू इट डू इट डू इट। ठीक है, और बिल्कुल मत डरो कि भाई मुझे याद आना चाहिए। क्या हो जाता है आपको याद नहीं आया तो आप सब कुछ छोड़ देते हो, उससे ज़्यादा दूसरे अप्रोच से चलो ना, ठीक है ना, नहीं तो नहीं, अभी देख लेंगे क्या क्या करना है। अगर ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मार्क्स फिक्स आपके, डन। तो चलो यार रुकते बेटा, आपको जूम मीटिंग का एड्रेस कंटिन्यूस मिल रहा होगा चैट, लाइव चैट में। हम 5 मिनट बाद ओके जूम मीटिंग पे आएंगे। आपके कोई डाउट्स और क्वेश्चंस हो गए ये टॉपिक से रिलेटेड, और जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देख रहा है जूम मीटिंग सिर्फ उसके लिए, जो रिकॉर्डेड देख रहा है उनके लिए नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं ओके, बाय बेटा। सेशन का टाइम नॉर्मली हमारा 12:30 ही रहेगा, अगर चेंज रहा तो ये जो लाइव सेशन का यहाँ पे लेवल क्रिएट होता है उस पर टाइम बता दिया जाएगा। कल का सेशन हमारा 12:30 को ही होगा। क्लियर, यस और नो? चलो, सो दोस्तों अपना पूरा ख्याल रखो, बिल्कुल ये कोविड-19 के सिचुएशन में डीमोटिवेट मत होना, जो भी होगा अच्छा ही होगा। और अभी आप बिल्कुल न्यूज़ वगैरह नहीं सुनना, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, ये 1-1.5 महीना पूरा डिवोट कर दो बेटा ओके, तो यहाँ बहुत अच्छे से हम स्कोर कर पाएंगे। एग्ज़ाम पोस्टपोन होगी नहीं होगी नहीं पता, हमारी काम है पढ़ाई करना, हम कंप्लीट कर देंगे, दैट्स ऑल। ओके बेटा, यहाँ रुकते हैं, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक बेटा वो लिस्ट में देख लो ना इंस्टीट्यूट के ओके, इंस्टीट्यूट की लिस्ट में हमारा ऑडिट असेसमेंट रहेगा, इसके बाद इंस्पेक्शन होगा और डिमांड होगा। डिमांड भी प्रोबेबली मैं कल कवर कर सकता हूँ। तो ये जो इंस्टीट्यूट की एडिशनल प्रैक्टिस की लिस्ट है पहले मैं नीचे के ख़त्म करूँगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारे वही रहेगा, फिर ऊपर के चैप्टर पे जाऊँगा। तो इसके बाद के जो चैप्टर्स हैं वो मैं कवर करते जाऊँगा, और मैं जिस लाइव सेशन का जब यहाँ पे लेवल क्रिएट होगा तो उस पर टॉपिक्स भी दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो कल मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, बाय। अभी जूम पर मिलेंगे 5 मिनट बाद।